कॉटन का कपड़ा मैं यूज कर रही हूँ। जितना बड़ा आपने ये रोटी कवर बनाना है उतनी बड़ी आपको कोई भी प्लेट या कोई भी सर्कल लेना है, उसे रखना है इस तरीके से कपड़े पे और इसे ड्रॉ करते हुए हम कट कर लेंगे। पीस ले ली हमने लाइनिंग, बीच में मैं रख रही हूँ इस तरीके से फॉर्म शीट और उसके ऊपर रखना हमें इस तरीके से हमने ये जो सर्कल कट किया था इस तरीके से। इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए और बीच में भी इसके सिलाई लगा के इस पे मैंने सिलाइयाँ लगा ली बीच में इस तरीके से, देखिए, और एक पूरे राउंड पे भी सिलाई लगा ली। अब जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लीजिए। अब हम इसके साइड के लिए बनाते हैं। साइड के लिए किसी भी एक तरफ यहाँ पे निशान लगा लीजिए, इस निशान से पूरा राउंड में हमें मेजर करना है। तो ये मेरा आ रहा है 24.5 इंच। स्टिचिंग में भी आएगा तो मैं 25.5 इंच का लेंथ का पीस इसमें से कट कर लूंगी, 25.5 इंच। तो आपका जितना भी राउंड आए आपको उसके हिसाब से कट करना है। ये देखिए जो हमने नाप लिया था उसके हिसाब से मैंने एक क्विल्टेड पीस ले लिया। मैंने आपके सामने इसका राउंड नापा था तो उसके हिसाब से 25.5 इंच मैंने ये ले लिया और 5 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है। ऊपर कपड़ा, नीचे कपड़ा, बीच में फॉर्म और उस पर सिलाई लगाई हुई है जैसे इस पे लगाई थी। अब हमें क्या करना है, अब हम इसे इसके चारों तरफ अटैच करेंगे। यहाँ से एक तरफ से सिलाई लगाते हुए हम यहाँ पे इसे अटैच करेंगे और जो एक्स्ट्रा होगा हम कट कर लेंगे। वो तरफ से हम इसे शुरू करेंगे लगाना हुआ लगाने के लिए और गोलाई में हम इसे पूरा लगा लेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से छोड़ते हुए फिर थोड़ा आगे से सिलना शुरू करना है। शुरू किया, यहाँ तक सिलाई लगाई, पूरी सिलाई नहीं लगानी है, इस तरीके से छोड़ देना है। अब हम पहले इसे नाप लेते हैं। अगर इस टाइम आपका एक्स्ट्रा है, ये देखिए इसे इसके ऊपर रखा, यहाँ तक आएगा हमारा ये और ये हमारा इस तरीके से यहाँ तक आएगा। स्टिचिंग में भी आएगा इस तरीके से, ये देखिए इतना हमारा ये स्टिचिंग में आ जाएगा। तो ये मेरा एक्स्ट्रा हो रहा है, देखिए इतना। तो इस टाइम हम एक्स्ट्रा कट कर लेंगे, तो जितना भी एक्स्ट्रा हो रहा है इसे कट कर लीजिए। एक्स्ट्रा मैंने कट कर लिया इस तरीके से, तो आप भी इस तरीके से एक्स्ट्रा कट कर लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, अब हम इसे अंदर की तरफ को कर लेते हैं इस तरीके से और पहले हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली। अब पहले हम इसे पट्टी को फिनिश कर लेंगे। ये देखिए सिंपल स्ट्रेट पट्टी ली है मैंने, पाइपिंग से हम इसे फिनिश कर लेते हैं इस तरीके से फोल्ड करते हुए, हाफ नीचे की तरफ हाफ ऊपर की तरफ ऐसे रखते हुए पूरे पे हम सिलाई लगा। तो मैंने नाप भी लिया, एक्स्ट्रा कट भी कर लिया। अब हम ये वाली इसकी सिलाई लगा लेते हैं पूरी कंप्लीट जो हमने यहाँ पे छोड़ी हुई थी। हमने इसे बराबर नाप लिया था, अब इस सिलाई को कम्प्लीट कर लीजिए। फिनिश करने के लिए इस तरीके से पाइपिंग ली है, 1.5 इंच की ली है, बायस में ली है। अब हम इसे एक तरफ से लगाना शुरू करेंगे यहाँ और गोल घुमाते हुए पूरे में पाइपिंग लगा लेंगे। इसे इस तरीके से मैंने रखा, यहाँ से शुरू करते हुए वापस आपको यहीं पे आना है। तो ये हमारा बन गया था। अब हम इसके ऊपर के फ्लैप के लिए बनाते हैं। तो फ्लैप के लिए आपको कैसे नापना है, इसका हमें पूरा ये एक बार राउंड को आप नाप लीजिए कि हमारा कितना है। तो इस हमारा 24 इंच, एक नाप हमने राउंड का ले लिया, दूसरा नाप हमें लेना है इस एक नाप लेना है यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कितना आ रहा है। तो ये मेरा अप्रोक्सीमेट 8 इंच आ रहा है, इसमें 1 इंच हमें एड करना है स्टिचिंग का, 9 इंच।
तो 9 इंच, और जो हमने पूरा राउंड में सर्कल कट किया है उसका हमें हाफ लेना है। तो ये हमारा पूरा सर्कल था 24 इंच डिवाइडेड बाय 2 12 इंच, तो 12 इंच बाय 9 इंच का मैं पीस ले लूँगी क्विल्टेड। ये देखिए इस तरीके से 9 इंच जो मैंने यहाँ पे इसकी विड्थ नापी, और ये मैंने एट लिया है 12 इंच, ये जितना हमारा पूरा है उसका मैंने हाफ कर लिया है। अब इसे हम 4 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से पट्टी ली है बायस में, इसे हम तीनों तरफ से पाइपिंग से फिनिश करेंगे। ये मैंने चारों फ्लैप पाइपिंग लगा के इस तरीके से रेडी कर लिया। अब हम इसे इसके साथ जॉइंट कर लेते हैं। जॉइंट कैसे करने, देखिए ये जो हमारा जॉइंट है यहाँ से रखना है इसे इस तरीके से अंदर की तरफ, फ्लैप 1 2। यहाँ पे ऊपर की तरफ इस पे सिलाई लगा लीजिए। पाइपिंग ले ली सेम बायस में, एक तरफ से लगाते हुए हम दूसरी तरफ इसको पूरा फिनिश करते हैं। यहाँ से कहीं से भी लगाना शुरू कर लीजिए। देखिए इस तरीके से करते हुए राउंड में हम पूरे पे पाइपिंग लगा रहे हैं। पूरा पाइपिंग से फिनिश हो गया। अब फ्लैप बाहर की तरफ को कर लीजिए, अंदर की तरफ से देखिए प्रॉपरली फिनिश्ड, कहीं से भी कोई रफ एजेस नहीं दिखेंगे आपको। ये हमारा रोटी कवर देखिए बिल्कुल रेडी टू यूज है, बिल्कुल रेडी हो गया। फ्रंट साइड इस तरीके से देखिए, बॉटम काफी अच्छे साइज का इस तरीके से बना है, और इस तरीके से डेप्थ भी काफी अच्छी है, काफ़ी अच्छे साइज़ का हमने इस तरीके से बनाया है। और इस तरीके से बाद में हमारे फ्लैप आ जाएंगे 3 और 4। तो ये हमारा देखिए रोटी कवर बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गया। देखिए तो बनाने में बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बनाया है, और काफ़ी अच्छे साइज़ में हमने बनाया। देखिए बिल्कुल रेडी हो गया, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इस तरीके से, देखिए बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। यहाँ पर